वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेंपल चैनल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिंदी बुक अनिवार्य संस्कृत का लेसन सेकेंड, जिसका नाम अन्योक्त विलासा है, लेकर के आया हूँ। तो चलिए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने इस श्लोक के ऊपर। लेकिन आप सभी लोगों को ये बता दें, ये सारे श्लोक के पोएट यानी कि महाकवि पंडित जगन्नाथ जी हैं। जी हाँ, पंडित जगन्नाथ जी। आइए अब सीधा चलते हैं अपने श्लोक के ऊपर और एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ निकालते हैं, ताकि इस श्लोक को याद करने में, इसे किसी को समझाने में या अपनी परीक्षा में इसका अर्थ लिखने में हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो देखिए, नितराम नीचोस्मित तम खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदय यत परेशान गुण ग्रहीता। से ये 2009 में और 2016 में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना व्यक्त हो रही है। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नितराम का अर्थ होता अत्यधिक, नीचोस्मिति यानी कि ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, नीचे अस्मि और इति से, और तीनों का अर्थ नीचोस्मित का अर्थ होगा मैं नीचा हूँ यानी कि मैं गहरा हूँ। खेद मीन्स यानी कि तम मीन्स तम, खेद मीन्स क्या दुख, कदापि मीन्स कभी भी, मा कृथा मीन्स मत करो, यानी कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, तुम इस बात का कदापि भी दुख मत करो। यत मीन्स क्योंकि, परेशान मीन्स दूसरों के, गुणग्रहीतास मीन्स गुणों को ग्रहण करने वाले हो, गुणग्रहीतास मीन्स गुणों को ग्रहण करने वाले हो, और गुणग्रहीतास यानी कि गुणग्रहीतास का दूसरा अर्थ रस्सियों को लेने वाले हो, यानी कि रस्सी का मतलब होता है गुड़, यानी कि गुड़ों को ग्रहण करने वाले हो। तो इसका पूरा संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासा पाठ से उद्धृत है। इसमें विशेष क्या है ये भी देखिए। इस पाठ के अन्य सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रस्तुत होगा, यानी कि अब इसके बाद आपको इसका संदर्भ अगले श्लोक में नहीं बताया जाए। प्रसंग देखिए, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जन व्यक्तियों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी सज्जन व्यक्ति जब उनके पास दौलत की कमी होती है, वो ज्ञानी होते हुए भी धन कमाने में असमर्थ होते हैं, तो अपने आप को वह नीचा समझते हैं, क्योंकि उनसे कम सज्जन दुर्जन व्यक्ति और कम पढ़े लिखे व्यक्ति उनसे अधिक धन कमाते हैं। अत्यधिक भोग विलास की वस्तुएं सांसारिक संसाधन उपलब्ध कर लेते हैं, तो ये सज्जन लोग जब उन्हें देखते हैं तो अपने आप को देखकर उन्हें खेद होता है। तो कवि कहता है, कुएं को संबोधित करते हुए वह सज्जन व्यक्ति को यह बात समझाने का प्रयास करता है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। यानी कि हे सज्जन पुरुष, तुम्हारे अंदर ये महानता है कि तुम दूसरे लोगों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार से कुआं कितना भी नीचा होता हुआ भी वह रस्सी को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार से अब इसका पूर्ण भाव आप सभी लोगों के लिए
लेकर के आया हूँ तो गंभीरता से समझिए। हे गंभीर पुरुषों, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है, गुणों को ग्रहण करने योग्य है, तो वह किसी से भी कम नहीं है। तो आशा करता हूँ ये पहला श्लोक विस्तार पूर्वक पूरे भाव के साथ, अर्थ के साथ, व्याख्या के साथ आप सभी लोगों को समझा दिया गया। अब आइए दूसरे श्लोक के ऊपर। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए श्लोक के नीचे 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 में पूछा गया है। तो चलिए देखिए श्लोक को कैसे पढ़े, मधुरता से, शांत भाव से, प्रेम पूर्वक। नीरक्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम् पालयिष्यति कः। नीरक्षीर विवेके मीन्स दूध और पानी को अलग करने में, हंसालस्यम मीन्स हंस आलस्य को करोगे, यानी कि हे हंस तुम आलस्य को करोगे। तनु से मीन्स करते हो, चेतः मीन्स यदि, यानी कि यह चेत लो। विश्वस्मिन् धुनान्य मीन्स अब इस विश्व में दूसरा, विश्वस्मिन् धुनान्य मीन्स इस अब इस विश्व में दूसरा। कुल व्रतम मीन्स कुल के व्रत को, पालयिष्यति मीन्स पालन करेगा, कह मीन्स कौन, यानी कि हे हंस यदि तुम ही नीर चीर यानी दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस विश्व में अपने कुल व्रत का पालन करने में, अपने कुल व्रत का पालन करने में कौन सक्षम होगा, कौन पालन करेगा, आप ही लोग बताइए। तो सीधा चलिए आगे इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। आगे देखिए अनुवाद इसका अर्थ क्या होगा। हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी यानी नीर और क्षीर को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा, यानी कि हम सभी लोगों को अपने कुल का मर्यादा पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये ज्ञान इस श्लोक के द्वारा पंडित जगन्नाथ जी ने प्रदान करने के लिए किया है, यानी कि हंस को एक सज्जन पुरुष, एक व्यक्ति जो कुल की मर्यादा, जिसे मर्यादा का पालन करना चाहिए उसके लिए यह एक हंस को संबोधित करते हुए कहा गया, यानी कि कौन सा यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है, संबोधन अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसका भाव पूरा निकालते हैं। हे गुणग्राही पुरुष, यानी कि हंस के रूप में, जिस तरह से एक हंस का शरीर एक धवल होता है, एकदम स्वच्छ होता है, धवल होता है, उसी प्रकार से जो पुरुष है वह गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे। गुण की तुलना दूध से, खीर से किया गया है और दोष की तुलना नीर से किया गया, तो समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति से,
कुलीन व्रत के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ ये भी श्लोक आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। अब तीसरा श्लोक देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत वीरसान करील विटपेशु यावन मिल दलिमाल कोपि रसाल समुल्लसती। एक बार फिर से देख लीजिए, कोकिल यापय दिवसान, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेशु यावन मिल दलिमाल कोपि रसाल समुल्लसती। ये भी श्लोक बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। इसको भी 2010, 2011 और 2013 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे जो है देखिए, यापय मीन्स बिताओ, विरसान मीन्स नीरस, करील बिटपेश मीन्स करील के पेड़ों पर, यावन मिलद लिमाल यानी कि यावत धन मिलद धन अलिमोल शब्द, तीन शब्द से मिलकर के इस शब्द को बनाया गया है। तो अर्थ समझिए, जब तक भौरे की पंक्ति से युक्त रसाल मीन्स आम समुल्लसत मीन्स सुशोभित होता है। तो अब पूरा अर्थ समझ लिया जाए। प्रस्तुत श्लोक में अर्थ नहीं, पहले प्रसंग समझा जाए। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से, यह श्लोक में देखिए, कोकिल मीन्स कोयल, यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेश, यानी कि देखिए प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है। पंडित जगन्नाथ जी ने इसी श्लोक के माध्यम से एक कोयल को संबोधित करते हुए विद्वान पुरुष को सांत्वना देने का प्रयास किए हैं कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। क्या समझाए हैं कि विद्वान पुरुषों को सांत्वना दिए हैं कि उन्हें अपने उनके जीवन में एक न एक दिन अच्छा समय अवश्य आएगा, इसलिए उन्हें धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को क्या करना चाहिए, बिता लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। अब देखिए उस श्लोक का अर्थ कैसे समझाए हैं। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। क्या कहें हे कोयल, देख लीजिए श्लोक पर क्या कहें कि कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिपटेश। हे कोयल, हे सज्जन पुरुष, तुम्हें अपने बुरे दिनों को, यापय दिवसान मीन्स अपने दिनों को, तापद विरसान मीन्स करील बिटपेश मीन्स करील के वृक्ष पर तब तक बिता लेना चाहिए। क्या कहें देखिए हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरे की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित न हो जाए। यानी करील का वृक्ष जो है समय बिताने वाला बुरा वक्त है, और आम का वृक्ष जो भौरों की पंक्तियों से भरा होता है, जब वह विकसित हो जाएगा तो यानी कि उस अच्छे वृक्ष पर चले जाना। आइए देखिए दूसरे लाइन का भी अर्थ बता दें, जब तक भौरे की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। देखिए श्लोक पर आइए, यावत यावन मीन्स जब तक, मिल मीन्स मिल न जाए, माल कोपि रसाल समुल्लसती यानी कि आम का वृक्ष समुल्लसती रसाल कोपि मीन्स यानी कि भौरों से संयुक्त हुई पंक्ति
का जो है आम का वृक्ष यानी कि भौरों से लुसा हुआ आम का वृक्ष जब तक क्या ना हो जाए, विकसित ना हो जाए, तब तक तुम अपने दिनों को करील के वृक्ष पर, करील बिट पेस मीन्स करील के वृक्ष पर, बिरसान मीन्स बिता लो अपने तापन दिवसान मीन्स नीरस दिन को। आशा करता हूँ ये भी श्लोक आप सभी लोग को समझ आया, अब इसका भाव भी समझ लिया जाए कि ये किसके लिए कहा गया है। हे विद्वान पुरुष यानी कि कोकिला मीन्स हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। यानी कि विद्वान व्यक्ति को कभी भी कष्ट नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में अच्छे दिन अवश्य आएंगे, उन्हें अपने समय को किसी प्रकार से काट लेना चाहिए। अगला श्लोक भी प्रस्तुत कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर देखिए एक चातक के माध्यम से महाकवि ने हम सभी लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया है। पहले श्लोक पढ़ दें जिससे आप सभी लोगों को पढ़ने में आसानी हो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम सुरेतम अमब्वोदा बहवो ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशा, गगने सर्वेपि नैतादृशा। और भी इस श्लोक में एक श्लोक और भी दे दिया गया, इसे भी बोल देते हैं ताकि पढ़ने में अत्यंत सरल आप सभी लोगों को श्लोक महसूस हो। केचित वृष्टि भिरात्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा ययम् पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम् वचः। ये भी श्लोक 2010, 2013 और 2017 में पूछा गया है। अब आइए पहले इसका अर्थ निकालिए। रे रे चातक सावधान मनसा, हे चातक सावधान चित्त से सुरताम में सुनो या सुनिए। अम्बोदा मीन्स बादल, नैता दृशा मीन्स ऐसा नहीं है, नैता दृशा मीन्स ऐसा नहीं है। वृष्टि विरार द्रयंत मीन्स वर्षा करके गीला कर देते हैं, वृष्टि विराद्रयंत मीन्स, वृष्टि विराद्रयंत मीन्स वर्षा करके गीला कर देते हैं। वृथा मीन्स व्यर्थ, ययम मीन्स जिस जिस को, मा ब्रूहि मीन्स मत कहो, दीनम वच मीन्स दीनता भरे वचन, दीनम वच मीन्स दीनता भरे वचन मत कहो कि जो बादल हैं वह ऐसे वर्षा करके व्यर्थ में जिसको गीला कर देते हैं। आगे देखिए इसका प्रसंग आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत भी कर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आइए देखिए क्या अर्थ कहते हैं। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं, उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उस के सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो, यानी कि दुख से भरे हुए वचन को, अपनी बात को उसके सामने वर्षा की मांग मत करो। एक बार फिर से समझ लीजिए।
हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। यहाँ पर देख लीजिए किस लाइन का अर्थ ये है। पहली लाइन, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, हे चातक सावधान, यानी कि हे मेरे मित्र चातक सावधानी से मेरी बात सुनो। क्षणम श्रुयता मीन्स क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बाबो ही शांति गगने सर्वे नैदृशा, यानी कि आकाश में बहुत सारे, गगने मीन्स आकाश में बहुत सारे, अम्बोदा मीन्स बादल विचरण करते रहते हैं, भरे रहते हैं। नैदृशा मीन्स क्या होते हैं, भरे रहते हैं। यहाँ देखिए आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे, नैदृशा मीन्स सभी ऐसे नहीं है, उनसे कुछ भी पृथ्वी को वर्षा से, यानी कि कुछ ही ऐसे बादल हैं जो धरती को क्या करते हैं, केचित मीन्स कुछ ही हैं, वृष्ट मीन्स वर्षा कराते हैं, विद्याद्यंत मीन्स वसुधा मीन्स इस धरती को कुछ ही बादल भिगोते हैं, सभी नहीं भिगोते। गर्जंत केचित वृथा, गर्जने वाले कुछ तो क्या होते हैं, गर्जने वाले होते हैं। यम पश्चात तस्य पुरतो, और कुछ इधर उधर विचरण करते हैं। माँ ब्रू दीनम वच, सबसे दीन वचन की कामना मत करिए, सबके सामने दीन वचन मत बोलिए, यानी कि ऐसे ही बादलों से केवल दीन वचन यानी कि वर्षा की मांग करिए जो आपको आपकी धरती को भिगो सके। अब इसका पूर्ण अर्थ हम सभी लोग यहाँ से समझेंगे। हे विद्वान पुरुष, यानी कि रे रे चातक में से, हे विद्वान पुरुष तुम क्षण भर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं, परंतु सभी, यानी कि जिस प्रकार से आकाश बादलों से भरा है वैसे यह संसार भी धनवान व्यक्तियों और समर्थ व्यक्तियों से भरा हुआ है, परंतु सभी उदार नहीं होते, उनमें से कुछ ही अधिक उदार होते हैं। यानी कि सभी धनवान और समर्थ व्यक्ति के भीतर उदारता के गुण नहीं होते हैं, उसमें से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उदार होते हैं, जैसे बादल कराने वाले कुछ ही, सॉरी बारिश कराने वाले कुछ ही बादल होते हैं, वैसे ही बहुत कम ही लोग धनवान और समर्थ व्यक्ति उदार होते हैं, और कुछ तो अत्यंत कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं। जिस प्रकार से गरजने वाले बादल इधर उधर आकाश में विचरण करने वाले बादल होते हैं उन्हीं के समान, अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उनके सामने अपना हाथ मत फैलाओ, यानी कि सभी लोगों के सामने तुम अपना हाथ मत फैलाओ। पहले उन लोगों की तलाश करो उदार हृदय वाले धनी और समर्थ व्यक्तियों का, तब उसके बाद तुम जो है अपने हाथ उनके सामने फैलाओ। आशा करता हूँ ये भी श्लोक आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया है। अगला श्लोक भी बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा होने के कारण इसे दो पार्ट में कर दिया जा रहा है। अब इस वीडियो को आप पार्ट फर्स्ट समझें और इसके बाद बहुत जल्द ही पार्ट सेकंड आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।